शिवा सादी गौर भक्त वृंदा। माता जी आप वीडियो ऑन करेंगे जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
हरि राम राम हरे हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू सो मच हम कीर्तन की जय थैंक यू सो मच की जय थैंक यू सो मच हरी हरी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही आनंद आए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन को। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विद्यापति प्रभु जी को जो आज के वक्ता का स्वागत करेंगे। प्रभु जी ओवर टू यू। हरे कृष्णा धन्यवाद मधुर प्रभु। हरे कृष्णा आज का इस नित्यम भागवत सत्संग में सबका हार्दिक स्वागत और आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभु को आग्रह करता हूँ कि वो आज का क्लास नित्यम भागवत का सेवा जो है हमारा जो रोज होता है उसको आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाने से पहले मुझे बहुत ही सौभाग्य मिल रहा है कि आज उनका परिचय मेरा मुझसे बोलेंगे बहुत ही ये लग रहा है फिर भी क्योंकि प्रभु बहुत ही सीनियर डिवोटी दामोदर देश के और हमारे शिक्षा बहुत जन के शिक्षा गुरु है। प्रभु का स्वागत कर
परिचय और स्वागत लग रहा है, और मैं उनका छोटा सा जो संक्षेप में परिचय, उनका तो बहुत ही बड़ा परिचय होना चाहिए, लेकिन संक्षेप में आज का समय पाबंदी करते हुए हम उन्हें संक्षेप में बताएंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु परमेश्वर गौर प्रभु का दीक्षा जयपतक स्वामी महाराज के द्वारा पहला दीक्षा जो है वो 1997 में हुआ था, उसके बाद दूसरा दीक्षा था जो उन्होंने 2005 में प्राप्त किया था। इस्कॉन में प्रभु 1989 में ज्वाइन किए हैं, तो उनका ज्वाइनिंग से ईयर से पता लगता है कितना वरिष्ठ भक्त है प्रभु। और उनका मेजर सेवा है जो बहुत ही बहुत है, और उनका उसमें जो संक्षेप में बताएंगे तो उनका उनको श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रचार है वो हिंदी तमिल इंग्लिश मलयालम चार भाषा में वो करते हैं। दामोदर देश में ऐसा कोई भी वक्त नहीं होगा जो प्रभु को नहीं जानते हो, तो प्रभु का क्लास कोई भी जो भी है वो कोई ना कोई समय में अटेंड किया ही रहेगा, तो ये भी एक बात है। और प्रभु का जो रमदान महीने का जो भागवतम श्रीमद् भागवत का कथा चलता है, जैसे बस अगला ही महीना बस और एक महीना बराबर एक महीना भी नहीं है, उससे कम दिन में भी शुरू होने वाला है वापस फिर से अगला ये साल का नवा स्कंद का शुरू करने वाले प्रभु। तो रमदान महीने में प्रभु बहुत सेवा करते हैं, श्रीमद् भागवत का पूरा स्कंद हमें एक एक स्कंद को लेकर सब पूरा एक एक जो श्रीमद् भागवत में पूरा एक श्लोक का फिर उसके बाद अर्थ शब्द का अर्थ उसके बाद ट्रांसलेशन उसके बाद तात्पर्य एक एक पढ़ा के कराते क्लास का लेते हैं, तो ऐसा बहुत ही रेयरली मिलता है। उसके बाद प्रभु का मार्गशीर्ष महीने का तो सभी को याद रहता है, तो अभी सब जन ऐसे ही उताव में रहते हैं कि कभी मार्गशीर्ष महीना और कभी आएगा दूसरा, तो इस तरह का प्रभु का सेवा बहुत ही है उसमें। और एक है डीडीवाई फेस्टिवल विग्रह सेवा, जो विग्रह का सेवा होता है उसमें प्रभु का मुख्य भाग है। और प्रभु आश्रम डिवोटी जो लेबर कैंप होते और गांव गांव में भी प्रीचिंग करते हैं, और इधर भी बहुत सारे आश्रम डिवोटी को प्रभावित करके उन्होंने भक्ति में हरे कृष्ण महाम का प्रचार करके उन्होंने इस्कॉन में लाए हैं। तो प्रभु का बहुत ही कार्य है दामोदर देश में, हम बस संक्षेप में ही बता रहे हैं क्योंकि समय का इसके वजह से। तो प्रभु को सपोर्ट देते हुए हर ग्रेस गीता परमेश्वर माता जी और उनका पुत्र सदानंद रामचंद्र प्रभु दोनों साथ देते हैं, तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है भक्ति में, हमें कैसे भी भगवान का चरण में ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश जो है उनका जो सौभाग्य है आज उनका पूछा आज सुनेंगे। और उनसे यही विनंती करते हैं कि आप ऐसे ही रोज हमें ज्ञान देते दीजिए और हम भगवान का चरण जल्दी पहुंचने के लिए हम आग्रह करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रभु को स्वागत करते एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उन्हें स्वागत करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु प्लीज ब्लेस अस प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागतम। हम इतना परिचय करने के लिए लायक नहीं है, मैं तो थोड़ा सा सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए हम लोग अभी जय राधा माधव गाएंगे, उसके बाद आज का श्लोक में जाएंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना
जय यमुना किरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना किरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामाह्यं तदादिसपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घेदिदं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमयं श्रीचैतन्येश्वरम् नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतिजयप्रकाशस्वामिने नमः चतुर्द्वारकथादामदाय नगरग्रामतारिणे हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम में दसवें स्कंद में अध्याय 54 और श्लोका संख्या 43 से लेकर देखना है। इसमें हम लोगों को पहला थोड़ा परिचय कराता हूँ सबको, क्योंकि ये अध्याय का प्रारंभ में कैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को जितना उधर असुर थे और उनका भाई रुक्मी और शिष्यपाल सब थे, उनमें से भगवान श्री कृष्ण से बहुत आसानी से उनको उठा के लेके आया। आते हुए ये सैन्य किसका, जरासंध शिष्यपाल और दोनों किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये रुक्मी को, क्योंकि रुक्मिणी ने सोचा था उनका बहन रुक्मिणी को शिष्यपाल के साथ विवाह करने के लिए प्लानिंग किया। वो बिल्कुल पसंद नहीं है रुक्मिणी देवी को, इसलिए उन्होंने लिफाफा लिख के भेजा था ब्राह्मण के द्वारा। फिर और पढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सैनिक के साथ रुक्मिणी को लेकर जाने के लिए आया। लेते हुए निकल गया वहां से, मगर ये युद्ध शुरू हो गया किसके साथ, ये रुक्मी जरासन शिष्यपाल और हमारा धाव भैया बलदेव का सैनिक के साथ। भगवान बलदेव ने बहुत आसानी से इसको सबको मार डाला है, सब लोग भाग गया। भागने के बाद भी उन्होंने, ये रुक्मी ने थोड़ा और भी कोशिश करता था और युद्ध करने के लिए, मगर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण एकदम उन्होंने उनको मारने के बगैर उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनका तलवार निकाला था, निकाल के उनको मारने वाला था, मगर रुक्मिणी देवी ने उनको प्रार्थना किया अपना भाई को मारो मत, उनको छोड़ दो। फिर इनका रिक्वेस्ट और प्रार्थना की वजह से भगवान श्री कृष्ण उनको मारा नहीं है, मगर उसको किसी भी अपमान करके लिए उनको क्या किया, उनको पूरा मुंडन करके छोड़ दिया। वो देखे ये बलदेव ने बताया ये कैसे हो सकते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि अपना आदमी है, क्योंकि रुक्मिणी का बहन है, उनको ऐसे नहीं कर सकते करके उन्होंने बताया। फिर भी ऐसी क्या हुआ, एकदम रुक्मिणी ने एकदम चिंतन बहुत हो गया उनको, क्योंकि अपना भाई को इतना अपमान हो गया करके। उसी समय बलदेव ने आके उनको समझाता है ये आत्म तत्व के बारे में, इसको हम लोग कह सकते हैं और एक भगवद गीता है, ये तो बलदेव का गीता है ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना विस्तार से आध्यात्मिक विषय के बारे में समझाता है। क्योंकि रुक्मी
को इतना अपमान किया है उन्होंने मारने के जैसे, इसलिए यहाँ इन्होंने विस्तार से समझाता है। रुक्मी वो पूरा रुक्मिणी तो पूरा सुनती है बलदेव का जो उपदेश है, उसमें से हम लोग आज देखने वाला है ये श्लोक, श्लोका नंबर 43। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वोणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेटि तो विजेते गोपाल चूड़ामणि। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 43। आत्ममोहो नृणाम् एव कल्पते देव मायया सुहृत् दुहृत् उदासीन इति देहात्म मानिनाम्। आत्ममोहो नृणाम् एव कल्पते देव मायया सुहृत् दुहृत् उदासीन इति देहात्म मानिनाम्। अच्छा मधुकर प्रभु शब्दार्थ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए माँ, आह्लादनी माता जी। प्रभु जी, शब्दार्थ और अनुवाद शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। आत्मा अपने विषय में मोह निर्णाम मनुष्यों का एव एकमात्र कल्पते पूरा होता है देव भगवान की माया या माया द्वारा सुहृत मित्र दुहृत शत्रु उदासीनः उदासीन इति ऐसा सोचकर देह शरीर आत्मा आत्मा के रूप में मानी नाम मानने वालों के लिए। अनुवाद। भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती है और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्यों को मित्र शत्रु तथा तटस्थ मानते हैं। हरे कृष्ण। इसमें हम लोगों को सिर्फ अनुवाद है क्योंकि इसमें एक विषय हमको सीखने के लिए है। प्रभु उसमें जाइए 43 में मधुहर 43। हाँ क्योंकि भगवान का जो माया के बारे में इतना विस्तार से बलदेव ने समझाता है क्योंकि ये इनका भल जो है माया का भल एकदम स्ट्रांग है, उसमें से बचाने के लिए इतना आसानी नहीं होता है क्योंकि हम लोग तो साधारण जीव है, जीव शक्ति तटस्थ शक्ति राइट, इसमें इतना भल नहीं है क्योंकि ये माया का प्रभाव बहिरंग शक्ति का बल तो बहुत है। इसलिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सहायता लेना पड़ता है कहाँ से, अंतरंग शक्ति भगवान श्री कृष्ण का पद कमल को स्वीकार करेगा तो, शरण लेगा तो, आश्रय लेगा तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाता है ये बहिरंग शक्ति को पार करने के लिए। इसलिए ये माया क्या करती है, हमेशा हमको मोह में डालते रहती है हर वक्त क्योंकि हम लोग भूलने अवस्था में है, मगर वापस याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है, भगवान को कमल चरण को आश्रय लेना। अच्छा भगवान को कमल शरण इतना आसानी से शरण ले सकते क्या, नहीं हो सकता क्योंकि बीच में हमको चाहिए एक विशेष गुरु भगवान का शुद्ध भक्त, ऐसी करेगा तो ये संभव है क्योंकि ये माया का प्रभाव की वजह से हम लोग जितना भी आमने सामने देखता है व्यक्ति को सबको अलग अलग तरीका से तीन गुण का प्रभाव की वजह से हम लोग अलग अलग दृष्टि से देखता है, कोई को हम लोग मित्र बोलते हैं, कोई को हम लोग शत्रु बोलते हैं, ऐसी कोई को पिता बोलते हैं, कोई को माता बोलता है, ऐसी अलग अलग तरीका से देखता है, मगर असली में हम हर एक जीव को भगवान का अंश के द्वारा देखना मुश्किल हो जाता है। मगर इसमें तो क्या होता है, हम लोगों को ये सबसे पहला सीखना चाहिए क्योंकि भगवान भगवद्गीता में भी बताता है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया,
ये सातवा अध्याय में श्लोक संख्या 14 इसमें क्या कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। क्या लिखते हैं, माम एव, ये मतलब सिर्फ भगवान का कमल का आश्रय लेना जरूरी है। प्रपद्यन्ते मतलब प्रपत्ति, प्रपत्ति करके हमको काट सकते हैं। प्रपत्ति का मतलब हम लोग विस्तार से देखने के लिए अभी समय नहीं है, हम लोग बताना चाहिए यहाँ शरणागति संपूर्ण करना है। मगर कैसे शरणागति करना है, ये गुरु का आज्ञा लेकर गुरु को पूरी तरह से सेवा करके उनको प्रसन्न करके फिर ये लिख सकते हैं, माया मेता तरंति ते। ओ भगवान का बहिरंग शक्ति को तरंति ते मतलब पार कर सकते हैं, नहीं ये तो संभव ही नहीं है। इसका अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। सॉरी, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। इसलिए हम लोग अभी देख सकते हैं बलदेव भैया ने क्या कर रहा है, रुक्मिणी माता को ये समझाता है श्लोक नंबर 43 में। आगे श्लोक 44 में जाएंगे। एक एव परोह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नान्येव गृह्यते मूढै यथा ज्योतिर्यथा नभः। इसमें ये श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है, क्योंकि जहां जो लास्ट लाइन है इसके अंदर, यथा ज्योतिर्यथा नभः, इसको अनुवाद बहुत सुंदर से दिखाया हुआ है नीचे तात्पर्य। एक एव, प्रभु एक मिनट और एक बार श्लोक पढ़ेंगे। एक एव परोही आत्मा, क्योंकि एक ही है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण। परह, परह मतलब सबसे उत्तम, सबसे सुप्रीम, राइट। सर्वेशाम, सर्वेशाम बोलेगे तो इतना विस्तार से उन्होंने प्रभाव किया है। देही नाम, जितना भी देहदारी है उसके अंदर है, और नाना एव, नाना मतलब विविध प्रकार का, गृह थे हम लोगों को देख सकते हैं, मूढ़ ही किसके वजह से, अज्ञान के वजह से, राइट। ज्योति ही, ज्योति ही मतलब भगवान का जो ब्रह्म शक्ति है और ब्रह्म तेजस है, उसको कहते हैं ज्योति ही। नभः आकाश, इसमें अच्छी तरह से उदाहरण भी दिया हुआ है। अभी हम लोग शब्दार्थ अनुवाद में जाएंगे, उसके बाद तात्पर्य देखेंगे। पढ़िए माता जी। एकः एक, एव अकेला, परः परम, हि निस्संदेह आत्मा आत्मा, सर्वेषां सभी, अपि तथा, देहिनां देहधारियों में, नाना अनेक, एव मानो, गृहाते अनुभव की जाती है, मूढ़े मोहग्रस्तों द्वारा, यथा जैसे, ज्योति ही नैसर्गिक पिंड, यथा जिस तरह नभः आकाश में। अनुवाद, जो लोग मोहग्रस्त हैं वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं, जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता हो। तात्पर्य, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति यथा ज्योतिर यथा नभः में दो उपमाएं हैं, जिसमें एक ही वस्तु हमें अनेक प्रतीत होती है। ज्योति ही नैसर्गिक पिंडों के यथा सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश का द्योतक है। यद्यपि चंद्रमा एक है, किंतु उसका प्रतिबिंब हमें जलाशयों, नदियों, झीलों तथा पानी के बर्तनों में दिखता है।
तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा हो, जबकि चंद्रमा रहता है ही एक एक ही। इसी प्रकार हम प्रत्येक जीव में देवी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यद्यपि है एक ही। दूसरी उपमा है यथा नभाहा। यदि एक कमरे में मिट्टी के कई बंद पात्र रखे हो, तो प्रत्येक पात्र में आकाश या वायु होता है, यद्यपि आकाश एक है। श्रीमद् भागवतम ही 1.2.32 ऐसा ही दृष्टांत अग्नि तथा काष्ठ विषयक है। यथा ही अवहिता वहिने दारुर एकः स्वन योनिशो नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। भगवान परमात्मा रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त है। जिस तरह काष्ठ में अग्नि रहती है, अतः वह अनेक रूपों में प्रकट होता है, यद्यपि वह अद्वितीय एवं परम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अभी श्लोक में हम लोग देखेंगे। पहला प्रभु श्लोक में जाइए, अनुवाद क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को भ्रमित, कैसे भ्रमित हो गया, किसके वजह से, क्योंकि हम लोगों को अनुमान करना मुश्किल है। परमात्मा एक ही है, राइट, मगर उन्होंने इतना व्यापित है हर जगह पे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है। एक भी है वो अनेक भी है, मगर कैसे देखना चाहिए, जितना भी हम लोग अनेक देखते हैं ब्रह्मांड में, मगर हम लोगों को एक विषय बोलना नहीं चाहिए, ये तो एक ही है, उनका शक्ति के द्वारा उन्होंने सब कुछ इतना व्यापित किया है। क्योंकि प्रभुपाद हमेशा ये श्लोक उपयोग कर रहा है, कैसे, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, मतलब विविध प्रकार का उनको शक्ति के द्वारा उन्होंने अलग अलग प्रभावित होता है। मगर हम लोगों को क्या हो गया, ये कैसे भ्रमित हो गया, जैसी भगवान का ब्रह्मांड जितना भी उन्होंने सृष्टि किया है, उसमें हर एक चीज को हम लोगों को समझना संभव ही नहीं। क्या कारण है, हमको तो जो शक्ति है तटस्थ शक्ति, मतलब वी हैव गॉट ओनली अ न्यूट्रल वन, वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ एनर्जी, मगर भगवान को समझने के लिए उसको तो बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ इसलिए कहता है, जिन्होंने राइट भगवान अपना परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के साथ रहता है, क्योंकि उनमें क्या क्या रहता है, इसमें लिखता है resides in all embodied beings, मतलब जितना भी शरीरधारी है उसका अंदर भगवान विराजमान है। मगर ये देखने के लिए इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पिछला श्लोक में हम लोग क्या देखा था, बलदेव ने क्या बता रहा था विपिनी देवी को, हम लोग कोई को मित्र सोचता है, कोई को तो शत्रु सोचता है, राइट, मगर ये गलती क्या है, हमको देख नहीं सकते, ये सब एक ही है, ये सब भगवान का परमात्मा रूप है, राइट, भगवान एक ही है, भगवान का शक्ति के द्वारा उन्होंने विविध प्रकार से इतना किया है। इसलिए यथा ज्योति ही यथा नभा, ये शब्द तो महत्वपूर्ण है, कि ज्योति मतलब यहाँ आकाश में, राइट, इसमें लिखता है एक मिट्टी का पात्र के अंदर जो हम लोग देख सकते हैं उसको कहते हैं, और इसमें और उदाहरण भी लिखता है, जैसी सूर्य और चंद्रमा हम लोग बाहर जाते हुए, जैसी नदी के किनारे पे जाते रहो हम लोगों को रात में क्या देख सकते हैं, चंद्रमा को वो पानी के अंदर देख सकता है, मगर हम लोगों को और दूसरा चंद्रमा है ऐसे हम लोग सोचेगा, क्या कारण है, अज्ञान के वजह से वही चंद्रमा इधर उधर हर जगह पे दिखता है, क्योंकि ऐसी सरोवर में ऐसी एक बाल्टी के अंदर पानी है, सब जगह पे दिखता है चंद्रमा, मगर यही चंद्रमा हर जगह पे दिखता है। ऐसी हम लोगों को भगवान का शक्ति तो इतना है, भगवान एक ही है, उन्होंने क्या करता है अपना शक्ति के द्वारा हर जगह पे करता है, इसलिए उनको समझना बहुत कठिन होता है। मगर ये सिद्धांत कैसे हम लोग को सीख सकते हैं, गुरु के द्वारा, क्योंकि गुरु भगवान को पूरी तरह से जानता है, भगवान का बराबर उन्होंने आश्रय लिया है, उन्होंने शरणागति किया है, इसके वजह से भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का आत्म तत्व, राइट, हम लोगों को आगे देखते हैं परम तत्व,
सत्यम परम दीनी, ऐसे अनेक शब्द उपयोग करते हैं ना, हर चीज को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। गुरु के आश्रय लेगा तो उनको पूरी तरह सेवा करेगा तो उन्होंने ये ज्ञान हमको प्रदान करेगा, दिव्य ज्ञान होता प्रकाशित हो, फिर उसके बाद हमको समझना संभव है इसमें। और एक तो हम लोग देखा है यथा ज्योति ही, यथा ज्योति है मतलब आकाश में जो सूर्य है नहीं तो चंद्रमा है, जिधर भी हम लोग देखते हैं वही चंद्रमा है वही सूर्य है, अलग अलग नहीं है। मगर हम लोगों को क्या हो गया, भ्रमित हो गया मोह की वजह से, प्रकृति का तीन गुण की वजह से हमको हमेशा क्या होता है, सही तरह से दृष्टि नहीं होता है, राइट। आगे देखेंगे यहाँ और दूसरा शब्द है यथानभ, ये तानभ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी एक कमरे में अंदर है, राइट, कमरे के अंदर एक मिट्टी का पात्र है, राइट, उसमें हम लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, आकाश हवा और सब कुछ किसके अंदर है, वो मिट्टी के पात्र के अंदर भी है, राइट। आकाश बोलेगा तो हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश वर्ड बोलते स्पेस, राइट, सो वहां भी स्पेस है मिट्टी के पात्र के अंदर, मटका के अंदर, और उसके अंदर हवा भी है, मगर हम लोगों को देख सकते कि नहीं देख सकते, क्या कारण है, हम लोग को ठीक से दृष्टि नहीं होता है। सो इसलिए यहाँ लिखता है ये जितना भी हम लोग बंद करके रखा है वो मटके के अंदर भी आकाश भी है हवा भी है, मगर एक ही हवा है एक ही आकाश है, हम लोग अलग अलग सोचेगा तो ये गलत बात है। इसलिए हमको ये दृष्टि ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुरु के द्वारा हम लोगों को या ज्ञान को हटा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में ब्रह्मा जी अच्छी तरह से समझाता है एक विषय, इसमें हम लोग ब्रह्म संहिता में देख सकते 5 और 35, राइट, इसमें श्लोका संख्या 35, जगदंड कोटिम यक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंतः अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यह ब्रह्मा जी समझाता है, ब्रह्मा जी कौन है, वो तो आदि कवि है, इसमें बताता है भागवत में कहते हैं या आदि का ये वो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में क्या बताते हैं, हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे, ये चक्तिरश्च जगदंड, हाँ प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु तक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसमें से मालूम होता है भगवान का शक्ति तो इतना विस्तार से हर जगह पे उन्होंने फैलाया, मगर एक ही भगवान है, राइट, इसलिए हर चीज में हम लोगों को देखना चाहिए। फिर आगे यही श्लोक के अंदर तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण का एक भागवतम श्लोक है, उसका अनुवाद भी उसमें देखेंगे। श्लोका में क्या लिखा है प्रभु, ये श्लोक दिखाइए, ऊपर 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 जाना, हाँ श्लोका संख्या 1-32 ना प्रभु, कौन सा वाला है मधुहर, 44 में एक वो वाला, 1-30 हाँ इधर आ गया, ठीक है, यता हि अवहितो वन्निहि धारुषु एक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तत्त्वमान। इसमें क्या कहते हैं, द लॉर्ड एज अ सुपर सोल परवेड्स ऑल थिंग्स जस्ट एज फायर permeates wood and so he appears to be, right, so we can understand very clearly here the Lord is the one and he pervades into so many, right, so isme kya kehta hai, he appears to be of many varieties though he is the absolute one without a second, matlab bhagwan ka saman koi hai nahi, bhagwan ke upar bhi koi nahi,
इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, ये भगवान का विशेष है, राइट। सो वन शुड नॉट गेट सुप्रीम लॉर्ड इज द वन, एंड उन्होंने उनका शक्ति के द्वारा अनेक विस्तार करता है, इतना ब्रह्मांड सृष्टि करके उसके अंदर उन्होंने आ जाता है। सो इसमें से हम लोगों को मालूम होता है, जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं वो देख लिया हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट श्लोक नंबर 45। देह आदि अंतवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन अविद्याया अविद्यया क्षिप्तः संसारयति देहिना देह आदि अंतवन देह आदि अंतवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन अविद्यया क्लुप्तः संसारयति देहिनम्। अच्छा, इसका शब्दार्थ अनुवाद पढ़िए। शब्दार्थ, देह भौतिक शरीर आदि प्रारंभ अंत तथा अंत वान से युक्त एषः यह द्रव्य भौतिक तत्वों का प्राण इंद्रियां गुण तथा प्रकृति के मूल गुण सात्विक रजो तथा तमो आत्मकः रजित आत्मनि आत्मा में अविद्या भौतिक अज्ञान का कृतः थोपा हुआ संसारयति जन्म तथा मृत्यु के चक्र में बोध कराता है देहिनाम देहधारी को। अनुवाद, यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लदे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। तात्पर्य, भौतिक शरीर जो कि विविध भौतिक गुणों तत्वों इत्यादि से बना हुआ है बद्ध जीव को आकर्षित विकर्षित करता रहता है और उसे भव बंधन में उलझा देता है। हम अपने ही शरीर तथा अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से ही अस्थाई संबंध स्थापित करते हैं, अपने को बड़े बड़े उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को गढ़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने को पूरी तरह लिप्त कर देते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, सारा जगत एक मंच के तुल्य है। इस बहुधे संसार रूपी मंच के परे ही असली तथा सार्थक कृष्ण भावना मृत का संसार है, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे शुद्ध जीवों का मुक्त जीवन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी ये श्लोक का अनुवाद में क्या बता रहे हैं, ये भौतिक शरीर का एक शुरुआत है एक अंत है, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ से बनाया हुआ है। भौतिक पदार्थ बोलेगा तो तीन तो सूक्ष्म है और पांच तो स्थूल है, मगर ये क्या हुआ, हमेशा ये तीन गुण का अंदर फंस जाता है। इसके बारे में प्रहलाद जी बहुत सुंदर विस्तार से बताता है, उसमें हम लोग देखने के पहले ये तात्पर्य देखेंगे, उसके बाद प्रहलाद जी का जो श्लोक भी देखेंगे। इसमें क्या बताता है, तीन गुण मोड्स ऑफ नेचर द बॉडी इम्पोज ऑन द सेल्फ बाय मटेरियल इग्नोरेंस, क्योंकि अज्ञान के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि हर चीज हम लोगों को कारण को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है, नहीं होता है, मगर इसके वजह से उनको क्या होता है, ये हमेशा तीन गुण के अंदर घूमते रहते हैं। इसके लिए उनको संसार चक्र भ्रमतः, कौन बता रहा है, वृत्रासुर ने बताता, संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी, कर्म के द्वारा हम लोगों को यहाँ भ्रमित हो गया। इसके वजह से क्या होता है, जन्म मृत्यु चक्र में हमेशा घूमते रहते हैं। या तात्पर्य में
प्रभुपाद के शिष्य लोग को भी कहते हैं, ये भौतिक शरीर ऐसी भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, मगर हमेशा इसको बांध के रखती है कौन? बहिरंग शक्ति माया। वो माया का और एक नाम है प्रकृति। प्रकृति बोलेगा तो तीन गुण के द्वारा हम लोगों को बांध के रखती है। कौन सा पाश है? बंद पाश। क्योंकि हर एक चीज में हम लोगों को आसक्ति बढ़ता है, इसकी वजह से हम लोगों को यह आसक्ति को काटना संभव नहीं होता है। क्योंकि इसमें तात्पर्य में और अनुवाद में भी लिखता है किसके वजह से, ये भौतिक अज्ञान की वजह से हम लोग आत्मा को भूल जाता है, हम लोग यही शरीर सोचता है, राइट। मगर भगवद गीता में भगवान कहते हैं वो भी हर एक गुण तो हर एक समय ऊपर उठता है, बाकी दोनों को नीचे दबा के, राइट। ऐसे ही देखेगा तो इसमें तात्पर्य में हमको ये आकर्षण भौतिक जगत के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंद्रियों को जो भोग करने के लिए इच्छा आता है इसके वजह से। क्योंकि हम लोग अपना शरीर को स्वामी सोचता है, हम लोग सोचते हैं हम भोग करने वाला है। भगवान ने क्या किया, इतना सृष्टि इतना ब्रह्मांड सब कुछ उन्होंने सृजन करके हर एक आत्मा को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मतलब उनको उपयोग करने के लिए। मगर हम लोग उपयोग नहीं करते, उसको दुष्प्रयोग करता है। क्यों दुष्प्रयोग करता है? क्योंकि भगवान को भूलकर हम आत्मा है करके भूलकर हम लोग क्या करते हैं, हम स्वामी सोच के हर चीज के ऊपर हम लोग आनंद उठाने का, आनंद नहीं है जो भोग करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करता है। इसके वजह से हर चीज में हम लोगों को आसक्ति बढ़ता है। जितना भी हमारा रिश्ता बनता है यहाँ, सब कुछ तो शाश्वत नहीं है। हमारा जितना भी प्रयत्न है वो भी हमेशा मुश्किल में जाता है, क्योंकि हम लोग हर चीज को अपना मनमानी से बहुत कुछ सोचता है। ये कारण वापस वही अज्ञान का कारण है। ये भ्रमित होने का कारण क्या है? हम लोग आत्मा का भूली जाता है। इसलिए हम लोग याद रखना चाहिए, यहाँ एक उदाहरण भी अच्छा दिया हुआ है, शेक्सपियर का एक कोट दिया हुआ है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। मतलब क्या है, जितना भी ब्रह्मांड है हर एक तो एक स्थान है, अधिष्ठानम बोलते हैं ना भगवत गीता में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्वितम, राइट। उसमें क्या कहते हैं, हर चीज में हम लोगों को भोग करने के लिए जितना भी जगह मिलता है, जितना भी स्थान मिलता है, उसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं, भोग करने के लिए। क्योंकि भोग कैसे होता है, इंद्रिय को आसक्ति की वजह से। उसी समय हम लोग भूल जाता है, हम तो भगवान का अंश है, हम तो भगवान का सेवक है, ये भूल कर हम लोग ये भोग करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके वजह से हमको आकर्षित और फंसा हुआ है, हम इसमें हमेशा ये बंधन में छिपा हो गया तो उसमें से खींच के लेने के लिए हम लोग को मुश्किल होता है। वो काटने के लिए क्या होता है, ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कौन देने वाला है? गुरु है। इसलिए हमको भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण भावनामृत में आके हम लोगों को, हर व्यक्ति को क्या करता है, भगवान के साथ जोड़ता है। क्योंकि ये भौतिक आसक्ति को काटना आसान नहीं है, मगर हर एक जीव को ऐसे ऐसे भगवान का कमल चरण में जोड़ेगा तो क्या होता है, अपने आप ये भौतिक आसक्ति उसको काट सकता है। इसलिए हम लोगों को हर चीज में प्रभुपाद क्या कहते हैं, बीच में भगवान श्री कृष्ण को रखने का है। क्योंकि जो भी आश्रम में है, जो भी अवस्था में है, हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे करते हुए साथ साथ भगवान को बीच में रखिए। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम बोलते ना, ये चारों चीज में सबसे पहला क्या है, धर्म। धर्म मतलब स्वधर्म, स्वधर्म करना चाहिए, राइट। स्वधर्म कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताता है, दैवी वर्णाश्रम बताता है। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म तो पालन करना बहुत जरूरी है। आजकल वर्णाश्रम के बारे में बोलने का आवश्यकता नहीं है। क्या कारण है, हमारा जो समूह है इसमें कुछ भी नहीं है इसे, राइट। जितना भी हम लोग जो करता है सब उल्टा सुलटा है, जो शास्त्र में लिखा है वो उसी तरह से नहीं होता है। क्योंकि भागवत में लिखता है ये कलयुग में जो भी ये शासन करने के लिए बैठ जाता है वो तो कोई भी ये राजा नहीं है, जो भी है कोई भी क्षत्रिय नहीं है। क्योंकि उसमें भागवत में लिखता है जो लास्ट क्लास में जो होता है शूद्र, उन्होंने क्या करता है, अपने आप मास्क डाल के आ जाता है, ऐसे ही
क्षत्रिय करके, मगर वो सबको हमेशा क्या करता है, लूट मारता है, सब कुछ करता है, इसलिए यह आश्रम भी गड़बड़ हो गया। मगर इसमें हम लोगों को याद रखना चाहिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना भी मुश्किल है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये आसक्ति को काट के जो भी कार्य करता है भगवान को बीच में रखिए। अभी ब्रह्मचार्य है, गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में हम लोगों को कृष्ण भावना को पालन कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भी आश्रम है मगर ये करने का याद रखिए, ऐसे बता, ठीक है। इसलिए हम लोग भूलना नहीं चाहिए। और हमें इस श्लोक के अंदर जैसी प्रहलाद महाराज बताता है वो भी हम लोग देखेंगे फटाफट, इसका अनुवाद ये 7930 है, इसमें समझाता है तीन गुण का वर्ण, एकस्तुम एक जगत एतम अमुष्य यत्वम आद्यन्तयो पृथक् अवश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निज मायेदम नानेव तै अवै अवसितस्त अवसितस्तद अनुप्रविष्टः। प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण पढ़िए। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक होते हैं। यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपके बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतएव भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वे केवल आप हैं। हरे कृष्णा, वापस वही पिछला जो दो श्लोक देखा है उसका साथ आज ये श्लोक में जो बताता है ये भी है, राइट। इसका मतलब हम लोगों को बुलाने चाहिए भगवान की है, उनका विविध शक्ति के द्वारा हम उन्होंने बहुत कुछ सृष्टि करके विविध प्रकार से उन्होंने व्यापित किया है, व्यापित करके उन्होंने क्या किया, हर एक जीव जाल को क्या करता है, उन्होंने मोहित में डाल देता है बहिरंग शक्ति में, मगर उसमें से हम लोगों को बचाने के लिए गुरु चाहिए, इसके द्वारा हम लोगों को इसको बाहर आ सकते हैं, मगर ये भूलेगा तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु का आश्रय लेकर ये बंधन में हमेशा उसमें से बचना चाहिए, क्योंकि आसक्ति आ गया तो हम लोगों को फिर ये भौतिक जगत के बाहर आना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग देखा था देवी है शागुनमी, राइट। इसलिए याद रखो, आगे आगे श्लोक में देखेंगे 45 में। हरे कृष्णा, 46 है प्रभु, नेक्स्ट वाला। हरे कृष्णा, 46। ना आत्मनो अन्येन संयोग वियोगश्चतसः सति चसतः सति तद् देतु द्वात् तद् प्रसिद्धेर् दृग् रूपाभ्याम् यथा रवेः। अच्छा, इसमें तात्पर्य और शब्दार्थ सब कुछ देखेंगे। शब्दार्थ, ना नहीं आत्मनः आत्मा के लिए अन्येन अन्य किसी से संयोगः संपर्क वियोगः विच्छोह च तथा असतः जो सारभूत नहीं है सति ये अच्छे बुरे का ज्ञान रखने वाले तत् उस आत्मा से हेतुत्वात् उत्पन्न होने से तत् उस आत्मा से प्रसिद्धेः प्रकट होने से दृक् दृश्य इंद्रिय रूपाभ्याम तथा दृश्य रूप से यथा जिस तरह रवेह सूर्य के लिए। अनुवाद, हे बुद्धिमान देवी, आत्मा ना तो कभी असत भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है ना उससे वियुक्त होता है,
क्योंकि आत्मा ही उसका उद्गम एवं प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के समान है जो ना तो कभी दृश्य इंद्रिय यानी नेत्र तथा दृश्य रूप के संपर्क में आता है ना ही उससे विलग होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, बद्ध जीव अज्ञानतावश अपने को भौतिक शरीर मान लेता है और इस तरह जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। वस्तुतः पदार्थ तथा आत्मा प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम भगवान अर्थात परम सत्य ही सह शक्तियां हैं। भगवद गीता 7.5 में भगवान कृष्ण बतलाते हैं, जीव भूता महाभावो यदेत धारयते जगत। यह भौतिक जगत इसलिए बना चला रहा है क्योंकि जीव इसका दोहन करना चाहता है। यह भौतिक जगत एक कारागार के समान है। अपराधी लोग अपराध करने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, इसलिए सरकार को कारागार की व्यवस्था बनाए रखनी होती है। इसी प्रकार भगवान भौतिक ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं क्योंकि बद्ध जीव उनके विरुद्ध विद्रोह करने और उनके प्रेम पूर्ण सहयोग के बिना ही भोग करने का प्रयास करने पर तुले रहते हैं। इसीलिए यहाँ तद्धेतुत्वात् पद का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है, जिसका अर्थ हुआ कि आत्मा उस पदार्थ के पुंजीभूत होकर भौतिक शरीर बनाने के कारण है। तत् प्रसिद्ध है, पद सूचित करता है कि आत्मा से यह शरीर अनुभव होता है और इसी पद से यह भी सूचित होता है कि यह तथ्य प्रबुद्ध व्यक्ति को अच्छी तरह ज्ञात है। इस श्लोक में प्रत्युक्त आत्मनः शब्द दिए गए अर्थ का अतिरिक्त परमात्मा का भी सूचक हो सकता है। उस दशा में तत् धेतुत्वाद पद यह सूचित करता है कि भगवान अपनी निजी शक्ति का विस्तार करते हैं और इस तरह भौतिक ब्रह्मांड का प्रकट्य करते हैं। चूंकि भगवान अपने शुद्ध दिव्य शरीर में शाश्वत रूप से विद्यमान है, अतएव वे कभी भी भौतिक नहीं हो सकते, जैसा यहाँ बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। अच्छा, ये श्लोक के अंदर बहुत कुछ हमको देखना चाहिए क्योंकि यहाँ बलदेव भैया ने रुक्मिणी माता को हर एक देहधारी को बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कैसे एड्रेस कर रहा है वो इंटेलिजेंटली, क्योंकि मतलब यहाँ रुक्मिणी को इतना संबोधित करता है। हम लोगों को भी किसी को सिखाएगा तो उसी समय कैसे करना चाहिए, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। कभी कभी हम लोग को शब्द थोड़ा आगे पीछे हो गया तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ इन्होंने बलदेव भैया ने कैसे एड्रेस कर रहे वो इंटेलिजेंट लेडी बताता है। उसमें आगे उन्होंने कैसे कहता है, ये आत्मा कभी भी ये स्पर्श नहीं करता है भौतिक जगत में, क्योंकि हमेशा वो अलग रहता है शरीर के इसके अंदर फंसा हुआ। मगर हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, हर चीज जितना भी हम लोग अनुभव करते हैं ये शरीर के द्वारा, राइट। अगर हमको याद रहता है, जैसे हम लोग भक्तिशास्त्री क्लास में एक बार एक सवाल उठता था हमारा परमानंद प्रभु को, उन्होंने अतुल कृष्ण प्रभु को पूछा था, वहां हमको शरीर में कुछ दर्द होता है, राइट। हम लोग कभी कभी सोचते हैं आत्मा के लिए कभी भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से अतुल कृष्ण प्रभु ने समझाया, जितना भी है हमारा मन के द्वारा दिखता है, मगर ये जितना भी दर्द है जितना भी सब कुछ है ये शरीर के लिए आत्मा के लिए कभी भी नहीं, राइट। इसलिए हमको क्या सोचना चाहिए, हम ये शरीर को अलग देखना चाहिए, हम आत्मा है, ये शरीर नश्वान है। इसलिए यहाँ लिखता है द सोल नेवर अंडरगोस कॉन्टैक्ट विथ, मतलब वो कभी भी स्पर्श नहीं होता है, सेपरेशन फ्रॉम इनसब्सटेंशियल मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द सोल इज दैट वेरी ओरिजिन एंड द इल्यूमिनेटर, क्योंकि आत्मा काय के लिए साथ में है हमको दिखाने के लिए। हम इसमें से बचने के लिए हमको हमेशा याद रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का शक्ति इतना प्रभावित है, इसमें लिखता है सूर्यदेव के जैसे, क्योंकि सूर्यदेव के जैसे होते हैं तो सूर्यदेव क्या करते हैं हर जगह पे उनको प्रकाश दे देता है, कोई जगह पे छोड़ता नहीं है, हर जगह पे उन्होंने प्रकाश देता है, क्योंकि हर वक्त
जितना भी उन्होंने पूरी जगत सृष्टि में ब्रह्मांड में सब जगह पे उनको प्रकाशवान तो है, मगर कभी भी वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। क्या कारण है? वो अलग रहता है, जैसी आत्मा भी हमेशा अलग रहता है। कैसे रहता है? इसमें इसलिए रहता है, नॉर सेपरेट फ्रॉम द सेंस ऑफ साइट आर विच इज सीन व्हाट इज सीन। मतलब सो यहाँ अच्छी तरह से ये उदाहरण दिया हुआ एनालॉजी, ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा और सूर्यदेव, आत्मा शरीर के अंदर है, मगर शरीर में जो भी होता है आत्मा को कुछ नहीं होता, मगर हमको ये सूक्ष्म शरीर है उसके वजह से दिखता है। हमारे लिए बोलेगा तो हम आत्मा को भूल जाता है, हमको शरीर को याद रखता है, इसलिए हमारा आत्मा के ऊपर जो भी होता है हम आत्मा के ऊपर सोचता है। ये गलत है। आत्मा तो हमेशा सच्चिदानंद विग्रह, मतलब वो कभी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए याद रखना चाहिए हर वक्त। ये इसमें क्या कहते हैं, आत्मा हमेशा अलग रहता है, मगर हमारा अज्ञान के वजह से हम लोग ये भ्रमित होता है, इसी हम तो जन्म मृत्यु चक्कर में हमेशा आ जाता है। सो यहाँ और भी एक श्लोक बताता है तात्पर्य में, जीव भूत महाबाहु यदम धार्यते जगत से। भगवान कैसे सब कुछ को संभालता है, द होल मेटीरियल वर्ल्ड इज सस्टेन्ड बाय द लिविंग बीइंग्स डेसायर टू एक्सप्लॉइट इट। मैं कैसे बताया पिछला श्लोक में अंदर, भगवान ने हर एक सृजन में जितना भी आत्मा को डालता है उसको अंदर उन्होंने संभालने के लिए, मगर हम लोग क्या होते हैं आकर्षण के वजह से उसका अंदर फंस जाता है कि फिर क्या होता है, ये भौतिक जगत को एक काराग्रह बन जाता है, क्योंकि जीवात्मा अपना असली स्थिति को भूल कर मैं शरीर हूं करके सोच के हमेशा फंस जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, दंड लेना पड़ता है। जैसे ही कारागृह में अंदर गया होगा तो हर एक आदमी जो गलती किया उसको तो दंड भोगना पड़ता है सरकार के द्वारा। यहाँ प्रकृति का नियम ऐसे होता है, जो हम लोग कर्म करते हैं कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये भोगने के समय पे हम लोग क्या होता है, अलग अलग योनि लेना पड़ता है, मगर इसमें से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, भगवान का आश्रय लेने के लिए गुरु का सेवा करना चाहिए। इसलिए द शब्द है तत् प्रसिद्धे है, लिखता है इंडिकेट द सोल इज अ कॉज ऑफ बॉडीज बीइंग परसीव्ड। क्या लिखता है, द सोल इज द कॉज ऑफ द बॉडीज बीइंग परसीव्ड एंड द सेम टर्म आल्सो इंडिकेट दिस फैक्ट इज आल्सो वेल नोन टू द एनलाइटेंड। तो यहाँ हम लोग को याद रखना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट द बॉडी, हाँ हम लोग तो आत्मा है। अगर आत्मा सोचेगा तो हम लोग क्या करेगा, जितना भी यहाँ हम लोगों को भोग करने की इच्छा है वो हम लोग इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि हम लोग भगवान का सेवा करके सोच के हम लोग वापस लौटने के लिए कोशिश करेगा। सो हम लोग भूलना नहीं चाहिए, वापस एक बार बताता हूँ ये विषय बार बार यहाँ क्यों बलदेव भैया ने रुक्मिणी माता को बताता है। अपना भाई के बारे में उन्होंने बहुत कुछ विचार करती है, हा? उसके ऊपर उन्होंने हमेशा दुखित रहती है, वो दुख का जरूरत ही नहीं है, दुख का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भौतिक जगत में सब कुछ आने जाने वाला है। द्वंद्व मोहेन भारत बोलता ना वैसी, यहाँ हम लोगों को इसका अंदर आने का जरूरत नहीं है, इसलिए बलदेव ने इतना विस्तार से बताता है। ये तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट है, शब्द आत्मना मतलब ये शब्द किसके बारे में बताता है, परमात्मा बारे में बताता है, क्योंकि इसमें और एक विषय भी है, इन विच केस द टर्म तद्देतु वात, मतलब यहाँ लिखता है कृष्णा एक्सपैंड्स इनटू सो मेनी, मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिनाः। भगवद्गीता में क्या कहते हैं, उन्होंने शक्ति के द्वारा विविध प्रकार से उन्होंने विस्तार से हर जगह पे प्रभावित होता है। सो कि सर्वव्यापी इसमें उन्होंने ऐसी बताता है भगवान का, इसलिए लिखता है मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिनाः, मतलब सो पूरी ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने परमात्मा रूप में है, मगर भगवान एक ही है, मगर देहधारी सोचता है अलग अलग है,
और उन्होंने सोचता है मैं स्वामी हूं, अपना असली स्थिति को भूल जाता है, राइट। ही नेवर बिकम्स मटेरियल एज इंडिकेटेड, इसका मतलब वो हमेशा आध्यात्मिक है। इसलिए हम लोग याद रखना चाहिए परमात्मा और आत्मा हमेशा आध्यात्मिक है। भौतिक जगत में आके हम लोग भूलने फंस गया, वापस यही समझाने के लिए यहाँ रुक्मिणी माता को बलदेव ने समझाता है। और नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे प्रभु। इसमें और एक श्लोक भी हम लोगों को याद कर सकते हैं, वृत्रासुर ने बताता है, मम उत्तम श्लोक है जनिष्य शक्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। क्या बताते उन्होंने उसमें, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, कर्म के अनुसार हम लोगों यहाँ भ्रमित हो गया है। तन्मायया आत्मात्मज, उसमें भी बताता है ये मेरा पत्नी, ये मेरा बेटा, मेरा मित्र, ऐसी सोचता है। ये भी क्या है कारण, हम लोगों को भ्रमित हो गया क्योंकि शरीर का संबंध में सोचता है, राइट। आगे श्लोक नंबर 47 में जाएंगे। सबको याद आना चाहिए भागवतम का पहला श्लोक जन्माद्यस्य जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्वचित् क्वचित् सॉरी क्वचित् कालानामिव नैवेन्धोर् मृतिर् हि अस्य कुहूरिव। शब्दार्थ पढ़िए। शब्दार्थ जन्माद्य जन्म इत्यादि तु लेकिन देहस्य शरीर के विक्रियः विकार न नहीं आत्मनः आत्मा के क्वचित सदैव कला नाम कलाओं का एव सदृश्य न नहीं एव निसंदेह इंदो चंद्रमा की वृत्ति ही मृत्यु ही निसंदेह अस्य इसका कुहुह नवीन चांद्र दिवस एव सदृश्य। जन्म तथा अन्य विकार शरीर में ही होते हैं आत्मा में नहीं, जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं चंद्रमा नहीं, यद्यपि नव चांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जा सकता है। तात्पर्य यहाँ पर बलराम जी यह बतलाते हैं कि किस तरह बद्ध जीव अपनी पहचान शरीर से करते हैं और इस पहचान को किस तरह त्याग देना चाहिए। निसंदेह हर सामान्य व्यक्ति अपने को तरुण प्रौढ़ या वृद्ध अथवा स्वस्थ या रुग्ण मानता है, किंतु ऐसी पहचान भ्रम है। जिस तरह चंद्रमा का घटना बढ़ना भ्रम है, जब हम अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझने की शक्ति खो देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसके बारे में हम लोग को फटाफट तुरंत याद आना चाहिए भगवत की प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा। मतलब अहंकार मतलब हम लोग को मिथ्या अहंकार के वजह से हम लोग सोचते हैं मैं हूँ शरीर, राइट। असल में क्या है, आत्मा है। आत्मा को भूलने में अवस्था में हम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक हम लोग आत्मा को याद रखते हैं, जब तक हम भगवान का सेवक याद रखता है, तब तक ये संसार चक्र में प्रमतः स्वकर्म इसमें कर्म के अंदर घूमते रहेंगे। इसमें से बचाने के लिए उपाय कुछ नहीं है। इसलिए जितना भी जीव है हमेशा क्या वो अज्ञान के वजह से इसमें ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। उसको क्या करना पड़ता है, भगवान का आश्रय लेने के लिए गुरु को पास जाना पड़ता है। इसमें वही लिखता है, बर्थ और अदर ट्रांसफॉर्मेशन आर अंडरगॉन बाय द बॉडी बट नेवर बाय द सेल्फ। मतलब इसमें भगवद गीता में भी अनेक श्लोक हैं, दूसरा अध्याय में बहुत कुछ कहते हैं ना, ये शरीर तो हम लोग छोड़ना पड़ता है, आत्मा दूसरा जगह पे जाता है। सो हम लोग को ये हमेशा याद रखना चाहिए, जितना भी परिवर्तन है ये शरीर के अंदर है, आत्मा के अंदर है ही नहीं है। जैसी हम लोग सोचता है चंद्रमा, राइट, पूर्णिमा से लेकर अमावास तक ऐसी उन्होंने बढ़ते रहते, फिर अमावास से लेकर
सॉरी पूर्णिमा से अमावस तक कम होते रहते, फिर उसको कहते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं, फिर अमावस से लेकर पूर्णिमा तक उसको कहते हैं कृष्ण शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसमें बढ़ते रहते हैं। मगर ये हम लोगों का अज्ञान का जैसे दिखता है, ये चंद्रमा चंद्रमा ही है, वो पूर्ण तरफ से पूरी तरफ से है, मगर ये ब्रह्मांड का जो वजह से हम लोग को ऐसी दिखता है, असल में चंद्रमा को कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं है। सो ऐसी आत्मा भी है, एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, वन शुड नॉट फॉरगेट आत्मा हमेशा ऐसी रहता है, राइट। इसके वजह से हम लोगों को ये बोलने अवस्था में हम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। सो वन शुड नॉट फॉरगेट वी आर ओनली द आत्मा, सो वी आर ओनली द आत्मा नॉट द बॉडी, सो वी हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेल एंड ऑल द टाइम वन शुड टेक अप द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो यहाँ हम लोग 47 तक करेंगे, क्योंकि अभी समय का जैसे हम यहाँ रुकता है। सो यहाँ क्या होता है, आज हम लोगों को श्लोक थोड़ा ज्यादा हो गया, इसकी वजह से विस्तार से बोलने के लिए भी समय नहीं मिला, और दो श्लोक बाकी बचा हुआ है, नेक्स्ट कोई लेने वाला है उनको लेना पड़ा है। परमानंद ओके है ना, हरे कृष्णा। अच्छा मधुहर, हरे कृष्णा प्रभु, इफ यू कैन फिनिश इट विद इन 5 मिनट्स ओके प्रभु, इट्स पॉसिबल। तो प्रभु वही है प्रभु, वापस किस करेगा तो और कम हो जाता प्रभु, प्रिपरेशन ज्यादा है, इसकी वजह हाँ रुकेंगे प्रभु, बेस्ट है, वी स्टॉप हियर, दो श्लोक बाकी है, रीड द ट्रांसलेशन पापा, वी कैन जस्ट रीड द ट्रांस बिकॉज कल भी बहुत श्लोक है, हरे कृष्णा। आई डोंट नो, ओके गो अहेड, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, गो अहेड। हां श्लोक नंबर 48 ले लो, एक बार श्लोक पढ़ेंगे। यता शयन आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्ते अपि असत्यर्थे ततो तताप्नोति अबुधो भवम्। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद, जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जैसा श्रुति का कथन है, असंगो हि पुरुषः, जीव का भौतिक जगत से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, इस श्लोक में इसी बात को बतलाया गया है। ऐसा ही कथन श्रीमद भागवतम में अन्यत्र भी 11.22.56 में आया है, अर्थे अहि अविद्यामानापि संस्मृति न निवर्तते धायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ आगमः यथाः। जो इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता रहता है, उसके लिए भौतिक जीवन जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, समाप्त नहीं होता, जिस तरह की स्वप्न के कटु अनुभव नहीं जा पाते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक प्रभु, 49 जाना चाहिए। तस्मात् अज्ञानजं शोकं आत्मशोष विमोहनं तत्वज्ञानेन निवृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। अनुवाद, अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्बल तथा भ्रमित कर रहा है। ये आदि हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को फिर से प्राप्त करो। तात्पर्य, भगवान बलराम श्रीमती रुक्मणी को स्मरण दिलाते हैं कि वे नित्य लक्ष्मी हैं, जो इस जगत में भगवान के साथ लीलाएं कर रही हैं, अतः उन्हें अपना तथा कथित शोक त्याग देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा, देखिए यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी अवतार लिया है रुक्मणी का, राइट, मगर इसमें प्रभु 48 में जाना पड़े। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान किसने प्रदान किया है, लक्ष्मी जी को, मतलब रुक्मिणी देवी को, बलदेव भैया ने। हम लोग बोलना नहीं चाहिए हमेशा, बलराम को क्या बोलते हैं, आदि गुरु बोलता है, इसलिए नित्यानंद प्रभु को हम लोग क्या बोलते हैं, आदि गुरु।
क्योंकि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान का श्रेष्ठ भक्त, भगवान का श्रेष्ठ सेवादारी के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते, उनको गुरु मान के उनसे हम सुनना चाहिए। क्योंकि पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, अलग अलग गुरु कोई भी आएगा मगर ये पूरी तरफ से भगवान के बारे में समझाना मुश्किल है। मगर ये ऐसे प्रामाणिक गुरु के द्वारा हम लोग प्राप्त करेगा तो सही रहेगा। यहाँ इसमें लिखते हैं अनुवाद में, ऐसे स्लीपिंग पर्सन, ऐसे सोते हुए व्यक्ति क्या करता है, अपना स्वप्न में बहुत कुछ देखता है, अनुभव करता है, मगर सब कुछ तो क्या है, स्वप्न है। क्या कारण है, उन्होंने अज्ञान के वजह से वो देखता है। असल में तो ये भौतिक जगत में जितना भी हम लोग अनुभव करता है कुछ समय के लिए, क्षणिक सुख बोलते ना, सो ये तो असली नहीं है। हम लोगों को असली सुख पाने के लिए, असली आनंद पाने के लिए भगवत धाम लौटना चाहिए। भगवत धाम लौटने के लिए क्या करना पड़ता है, हम आत्मा है करके याद करके भगवत सेवा करना चाहिए। इसमें और एक सुंदर भागवतम श्लोक भी लिखा है, 11:22-46। ये तो उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताता है, अर्थे अहि अविद्यमानेपि संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान् अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा विषयान् ध्यायतो विषयान् पुंसः। बोलता ना भगवद्गीता, वैसी हम लोग हर चीज के ऊपर भौतिक जगत में सोचकर हम भोग करने के लिए कोशिश करता है, मगर ये तो असल में ऐसे ही नहीं है। ये अनुवाद में भगवान उद्धव जी का क्या बताता है, फॉर वन हु इज मेडिटेटिंग ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन मटेरियल लाइफ ऑल्दो लैकिंग एक्चुअल एग्जिस्टेंस डस नॉट गो अवे जस्ट एस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्रीम डू नॉट। क्योंकि अभी स्वप्न में हम लोग कोई दुस्वप्न भी देखता है, कोई कोई चीज देखता है, हम उसको भूलना मुश्किल होता है। हम लोग बहुत कुछ याद रख के बहुत दिन के बाद भी, बहुत साल के बाद भी किसी को बताता है, ये ऐसी स्वप्न मेरे को आया करते हैं। मगर असल में क्या कहते हैं, जब तक हम लोग का ये इंद्रिय तृप्ति में रहता है, इंद्रिय तृप्ति जायतो विषयान पुंसः बोलते ना, इसलिए यहाँ भी वही बताता है, ऑल्दो लैकिंग फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब असल नहीं है, नकली है, फिर भी हम लोग इसमें भ्रमित होता है। ऐसी भागवत में पहला श्लोक भी बताता ना, एवरीबडी इज अंडर द इल्यूशन, स्पेल ऑफ इल्यूशन, राइट। नेक्स्ट श्लोक में लास्ट प्रभु 49 अंत में बलदेव ने रुक्मिणी देवी को पूरा समझाता है, भगवान एक ही है, उन्होंने व्यापित करके हर जगह पे गया हुआ है, उन्होंने अनेक अनेक शक्ति के द्वारा, मगर इसमें हम लोग हर एक आत्मा क्या करता है, अपना त्रिगुण के अंदर फंसे हुए, इसके वजह से हर चीज को अलग अलग देखता है, कोई को मित्र दिखता है, कोई को शत्रु दिखता है, राइट। इसके वजह से हम लोगों को असली स्थिति भूल कर हम आत्मा करके सोचता ही नहीं है, इसके वजह से कष्ट उठाना पड़ता है। हम लोग शरीर देख के शरीर को हम लोग नित्य अहंकार में रहता है, इसलिए यहाँ उन्होंने विस्तार से आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया उनको। उस सुप्त अवस्था में निकाल के जागृत करने के लिए उन्होंने समझाया, फिर उनको आगे भी इन्होंने बताता है, आप तो भगवान का श्रेष्ठ सेवादारी है, लक्ष्मी जी है, आप इसमें से ये दुख से बाहर आना जरूरी है, इसलिए उन्होंने समझा के उनको आगे बताता है। हरे कृष्णा, यहाँ पूर्ति करेंगे, आज समय का थोड़ा गड़बड़ हो गया। हरे कृष्णा, क्योंकि इतना श्लोक कवर करना मुश्किल होता है। हरे कृष्णा। अच्छा, अभी आगे क्या करेंगे प्रभु, समय है क्या? हरे कृष्णा। मधुहर विद्यागति। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, बताया सही है। यस प्रभु, कैन यू भगवत गीता का ज्ञान पूरा भरा हुआ इस श्लोक में, भागवत का जो आज का 43 से बलराम जी ने रुक्मिणी ने ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान को हम
हमारा शरीर ध्यान में रखते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु का आज एक क्वेश्चन लेने का समय लेंगे, अगर किसी के पास शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर में तो किसी का सब है तो बताइए, एक प्रश्न लेंगे अगर इसी विषय में चाहे तो। अरे कृष्ण लगता है प्रश्न है तो प्रेयर का लिस्ट में हमने वनिशा माता जी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है जो है वृंदेश्वरी राधा वृंदेश्वरी माता जी का। कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, प्रेयर के लिए बोले। हरे कृष्णा। कोई माइक ऑन करके रखा है एनीवे। तो आज सबसे हम और सभी भक्तों भक्ति का भक्ति में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु प्रभु प्रमाण प्रभु नहीं है अनाउंसमेंट। यस प्रभु। हेमा वेदरामन उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हेमा वेदरामन के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। इसके पहले कुछ घोषणा है प्रभु, एनी अनाउंसमेंट? जय गोविंद प्रभु और परमानंद। हरे कृष्णा। नथिंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण परमेश्वर प्रभु। वंडरफुल टू सी यू। हरे कृष्ण। वेरी नाइस क्लास प्रभु। देयर इज नो अनाउंसमेंट एज सच। आज दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, सो हम लोग भी हमारा देवकी यशोदा मैया रुक्मिणी माता जी कुंती और द्रौपदी इन सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। वो वैसे हम लोग मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और हमारा प्रिया अभिषेक आया है, उनको भी हम लोग स्वागत करते हैं। ओके, बैक टू यू विद्यागति प्रभु। हरे कृष्ण एंड परमानंद प्रभु। सॉरी आई इंटरप्टेड यू। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु का स्वागत है फिर से हमारे देश में। वो तो प्रभु क्या बोलते हैं, परमानेंट दामोदर देशवासी है, बस टेम्पररली बाहर जाके आते हैं। तो हरे कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। और आज का प्रेयर में वनिशा माता जी जो राधा वंदे माता जी के लिए है, जो कल कुछ एक्सीडेंट हो गया उनका छोटा सा, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। जल्दी से ठीक होके स्वाति को जल्दी आए और सभी भक्तों के लिए भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रेयर मिस आउट एनीथिंग लोगों नहीं है? ठीक है। अशोक लकानी सुपिका माता जी बता रहे कि अशोक लकानी प्रभु के लिए भी प्रेयर का रिक्वेस्ट मांगा, तो उनके भी हम प्रेयर करते हुए आज का सत्संग को अभी आज संगीत करेंगे। तो तीन बार हरे कृष्ण हम आज का संगीत करेंगे। No, Hare Krishna Prabhu, thank you so much. You said same. Thanks to our Appa for giving such a wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. And I need prayer for my sister Lata Advani. Hare Krishna. Lata Advani Mataji ke liye pray karte hue hum teen bar Hare Krishna naam purke iska ye sat karenge. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, permission ka aagya dete hue aaj sankam इधर स्थगित करते हैं।